जो हम रियल टाइम में जो भी हम करते हैं वो हमारी कैलकुलेशन होती है इसमें, सिस्टम उसमें कैलकुलेशन करता है आपका, ठीक है। तो ये आरटीसी सेक्शन कैसे एक्टिवेट होता है, और ये वो सेक्शन है जो हमारे सिस्टम में सबसे पहले एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिस्टम में सबसे पहले अगर ये एक्टिवेट होता है तभी हमारे सिस्टम की आगे की सारी कैलकुलेशंस चलती हैं, ठीक है। तो जब ये हमारा सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है, तो थोड़ा सा फीड पीछे से मैं शुरू कर रहा हूँ कि जैसे आपका 19 वोल्ट इनपुट होता है, चार्जिंग सेक्शन उसे ड्राइव करता है, फर्स्ट फिट और सेकंड फिट, उसके बाद में वो आपका 3-5 वोल्टेज में जाता है, वो आईसी में जाता है, वहाँ से आपका एलडीओ जनरेट होता है। तो वो एलडीओ जो होता है हमारा, वो हमारा जाता है, अरे कहाँ चला गया, वो एलडीओ हमारा आरटीसी के अंदर ही, उसी की वोल्टेज हमारी आरटीसी में आती है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, आरटीसी आरएसटी, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो हमारी आ रही है ना, आरटीसी ऑक्सिलरी जो वोल्टेज हमारी ये आ रही है, ये हमारी कहाँ से आ रही है, ये एलडीओ से बन के आती है। अभी ये कैसे एलडीओ से बन रही है, एक बार इसको सर्च कर लेते हैं। ये वोल्टेज आपकी पहले सबसे पहले आरटीसी सेक्शन में आनी चाहिए, ये यहाँ पे से। तो जो हमारी 3 वोल्ट एलडीओ जो आती है, वो वोल्टेज इस डायोड के थ्रू क्रॉस होके हमारे आरटीसी सेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे इसका नाम 3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5 से बदल के आरटीसी ऑक्सिलरी S5 हो गया, यानी कि S5 की स्टेट के लिए आपकी ऑक्सिलरी वोल्टेज है आरटीसी की। तो अगर ये वोल्टेज नहीं बन रही है तो हमारी क्लॉक कहाँ, वोल्टेज कहाँ से आएगी, आरटीसी के जो आपका कॉइन सेल लगा होता है वहाँ से ये वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो जब ये यहाँ से, दो इसके इनपुट होते हैं जहाँ से ये वोल्टेज आती है, ये मतलब ये एक, अब तो ये कॉमन फंडा है, ये मतलब सबको पता है इस चीज़ के बारे में। तो ये दो जगह से आपकी वोल्टेज आती है और आपके आरटीसी सेक्शन में जाती है, ठीक है। तो और ये आरटीसी सेक्शन में वोल्टेज आपकी कहाँ जाती है, सबसे पहले वोल्टेज आपकी आरटीसी के पावर सेक्शन में जाएगी। ये मैंने हैसवेल वाला मदरबोर्ड लिया हुआ है जिसके अंदर प्रोसेसर और आपका एचएम साथ में ही होता है। तो सीपीयू को देख के कंफ्यूज मत होना कोई भी, वैसे तो सबको पता है फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो ये हमारा आरटीसी सेक्शन जो होता है प्रोसेसर के अंदर, वो हमारे आरटीसी सेक्शन में ये सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे जानी चाहिए, ठीक है। तो जब ये आपकी यहाँ पे वोल्टेज जाती है तो आपके आरटीसी सेक्शन को पावर मिलती है सबसे पहले। तो ये अभी यहाँ पे कोई टेस्ट पॉइंट नहीं है, तो इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने का सीधा सीधा कारण है, आप यहाँ पे डीसीपी की डिकपलिंग वोल्टेज इस कैपेसिटर पे चेक कर लो। तो यानी कि आपका वोल्टेज गई है तो आपका इंटरनली आपका डिकपलिंग ऑन हो गया है, यानी कि ये डिकपलिंग हो गई है आपकी, इंडिविजुअली आपका ये वर्क करने लग गया है, तो ये आपकी वोल्टेज यहाँ पे आपकी एक्टिवेट हो जाती है। और दूसरा सीधा फंडा है कि आप अपने जो आरटीसी जो क्रिस्टल है उसके ऊपर आप है ना ये कैच कर सकते हो, क्लॉक को आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्लॉक बन रही है कि नहीं बन रही है 32 की, तो वहाँ पर। और ये हमारा डीप स्लीप मोड के लिए पीसीएच वाली, ये आपका सस्पेंडेड सप्लाई से रिलेटेड फंडा है, तो ये अलग है, जो कि आपकी चिपसेट की सस्पेंडेड सप्लाई का यहाँ पे इनपुट आ रहा होता है पीसीएच वाला, तो ये अलग सेक्शन है, ये भी आरटीसी में ही आता है, इसमें यहाँ पे आरटीसी में आ रहा है। तो ये आपकी जब जब वोल्टेज आपकी ये वीसीसी आरटीसी वाली सेक्शन में आएगी तो आपका आरटीसी सेक्शन एक्टिवेट हो गया समझ लो। और उसके बाद में जब वो वोल्टेज आपके आरटीसी सेक्शन में आती है, तो आपका ये आरटीसी सेक्शन जहाँ पे आपका डेटा आउटर कैलकुलेशन के लिए आपको दिया हुआ है, वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये आपके आरटीसी का X1 और X2 पॉइंट जो है आपके इनपुट आउटपुट, ये आपके पॉइंट पे यहाँ पर आपकी इस क्रिस्टल के ऊपर आपकी क्लॉक जनरेट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या, 3 वोल्ट इनपुट देखा, उसके बाद में क्लॉक चेक कर लो सीधा। क्लॉक चेक करने के बाद डीकपलिंग वोल्टेज जरूर चेक करना, नहीं तो आपकी डीकपलिंग वोल्टेज अगर वहाँ पर नहीं होगी तो आपका इंटरनली जो है वो सेपरेशन में उसने वर्क करना चालू नहीं किया है, तो वो उसकी वजह से भी इंटरनली आपको इनपुट कहीं से नहीं मिलेगा आरटीसी का। तो वो जनरली अगर वहाँ पे वोल्टेज नहीं होती है तो आउटपुट वाला कैपेसिटर ख़राब मिलेगा आपको, नहीं तो इंटरनली आपका सीपीयू ही डेड है, ठीक है। दो ही ऑप्शन होते हैं उसमें, तो जनरली वो मिलती है आपको जब यहाँ पे आपकी आरटीसी की क्लॉक बन रही होती है। तो जैसी आपकी इनपुट आई, उसके बाद में आपका आरटीसी पे आपकी क्लॉक जनरेट होने लग गई यहाँ पे, तो आप इस पे अपनी क्लॉक को चेक कर सकते हो, ठीक है।
तो ये क्लॉक बनने के बाद में आपका क्या है, आरटीसी सेक्शन एक्शन में आ जाता है, यानी कि अभी वो आपका आरटीसी इंटरनली वर्क करने लग गया है उसका सेक्शन, यानी कि उसके जो इंटरनली जो कनेक्शन है वो एक्टिव हो गए हैं। तो आपका आरटीसी सेक्शन एक्टिव हुआ, तो आरटीसी सेक्शन एक्टिवेट होने के बाद में ये आपका आरटीसी सेक्शन इतना ही है कि एक्टिव हो गया। उसके बाद में आरटीसी सेक्शन के थ्रू आपको चार इनपुट और दिए गए हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं। नंबर एक होता है आपका एसएम इंट्रूडर, ठीक है। तीसरा दूसरा होता है आपका पीसीएच, ई इंटरनल वीआरएम सेक्शन के लिए अनेबल पॉइंट है, ये इंटरनल वीआरएम अनेबल पॉइंट है वो है। दूसरा है आप तीसरा है आपका सेकेंडरी रीसेट और ये प्राइमरी रीसेट। ये जनरली आपके आरटीसी सेक्शन को रीसेट करने के लिए ये दोनों पॉइंट, और सेकेंडरी रीसेट पे कोई कमांड नहीं है फिलहाल तो, लेकिन किसी किसी में आपको एमई रीजन रीसेट करने की कमांड दी होती है इसमें, कि आप इतने पर्टिकुलर 15 सेकेंड तक अगर आप उसको शॉर्ट करके रखते हो तो आपका इंटरनल मैनेजमेंट इंजन पे जो आरटीसी का कैलकुलेशन है वो जीरो पे चला जाएगा, यानी कि वो भी रीसेट हो गया आरटीसी का मैनेजमेंट इंजन के लिए, ठीक है। तो ये आपका किसी किसी में दिया होता है, लेकिन ये तो सेकेंडरी जनरली यूज़ किया जाता है इंटरनल वीआरएम का जो जो अनेबल पॉइंट है इसके सेक्शन को रीसेट करने के लिए, वो इनडायरेक्टली आपका मैनेजमेंट इंजन से ही कनेक्ट होता है। तो ये आपका दो पॉइंट आपके रीसेट के लिए हैं। तो जनरली ये पैड दिया होता है आपका रीसेट के लिए, तो इससे क्या होता है कि जितने भी आपके आरटीसी की कैलकुलेशन अभी तक चल रही है, जो प्रोसेसर ने कैलकुलेशन करना चालू किया है, वो ऑटोमेटिकली आपका जीरो पे आके रुक जाता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है, जो कि प्री लोडेड जो आपका सिस्टम पे आया है वो जो फिक्स किया हुआ है उन्होंने उस पर वापस चला जाता है। या वो किसी का स्टार्टिंग लेवल भी हो सकता है कैलकुलेशन का डाटा का, या जैसे हम डेट और टाइम को देखते हैं तो वो पर्टिकुलर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पे चला जाता है। तो ये हमारा रीसेट के दो पॉइंट हैं। तो इसके लिए रेजिस्टेंस है जिसको हमने इन्होंने पुल अप करके कंपनी ने आरटीसी वीसीसी वाली वोल्टेज से ऑक्सिलरी सेकेंडरी जो S5 की वोल्टेज है उससे पुल अप किया हुआ है। तो ये दो आपके सिग्नल जो हैं ये आपके रीसेट के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये इंटरनल प्रोग्रामेबल रीसेट है, किसी भी चीज़ पर्पस से आप सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं वो, ठीक है। जैसे हम बायोस में जाके डिफ़ॉल्ट मोड करते हैं या लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका क्या होता है आरटीसी रीसेट इंटरनली यहाँ से स्ट्राइक करके इसी सेक्शन को वो प्रोग्रामेटिकली उसको रीसेट कर देता है। होता वो भी वहाँ पर से भी वही है और यहाँ से भी वही हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपके दो, ये दो आपके सिग्नल रह गए हैं जौन से हैं एसएम इंट्रूडर और पीसीएच का इंटरनल वीआरएम।